खरगोन जिले के डोगन गांव में पुल के नीचे गिरी बस के मामले में अब तक 24 लोगों के मरने की बातें सामने आई हैं। इसी बीच घायलों का हाल जानने मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसावत विधायक सचिन यादव अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देकर मृत परिवारों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। बताया जा रहा है कि दुखद घटना की खबर सुनकर देश भर में हड़कंप मच गया। इस दौरान सचिन यादव ने बताया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए समय समय पर वाहनों की चेकिंग जरूरी है। इस और शासन प्रशासन के विशेष तौर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मृतक परिवारों को उचित मुआवजा राशि के अलावा परिवार के एक व्यक्ति की शासकीय नौकरी दिलवाने की सरकार से गुजारिश की है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायी घटना घटी है जिसमें लगभग 24 से अधिक मृत हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। हम आज जो व्यक्ति या जिनके उपचार रहते हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो घायल लोग हैं, आज हम उनको यहाँ पर देखने के लिए आए हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और जो मृत परिवार है उन मृत परिवारों को भगवान उनको ये जो दुख उनके ऊपर आया है ये दुख सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करें और मृत परिवारों को भगवान उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ये संबल भगवान प्रदान करें। लगातार हादसे हो रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो हादसे होते हैं तो बहुत पीड़ादायक होते हैं, दुखदायी होते हैं और निश्चित रूप से इसमें शासन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे घटनाएं ऐसे हादसे ना हो, इसकी उन्नति ना हो, ये शासन को। ग्रामीणों का कहना है कि तेज़ गति को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई है मगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी दुर्घटना हुई। देखिए निश्चित रूप से ये समय समय पर इसको लेकर के एक जागरूकता अभियान भी होना चाहिए और साथ ही साथ शासन प्रशासन इस चीज़ को इंश्योर करे कि ये जो ज़्यादा गति के कारण, अधिक स्पीड के कारण, जो लापरवाही के कारण अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेकर के कार्रवाई भी होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसी इसकी पुनरुत्ति ना हो इसको भी सरकार को ध्यान। ये सरकार से क्या मांग करते हैं? इस सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो मृत परिवार है उनको शासन जो है उचित मुआवजा उनको दें, उन परिवारों को उचित मुआवजा दें और साथ ही साथ उनको सरकारी नौकरी उनको मिले, ये हमारी मांग है। आप मौके पे पहुंचे, घायलों को भी की मुलाकात भी हुई, परिजनों से भी बातचीत हुई है, दुखद हादसा, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग है? निश्चित तौर जैसे भी कल सुबह की पहली दुखद घटना ये सामने आई, हम मौके पे भी गए, परिजनों से मिले, घायलों को हम अपनी गाड़ी से ला के यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के लिए सभी डॉक्टरों से और उचित इलाज की बात कही और ये घटना जो है हमारे ज़िले के मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना, दुखद घटना है। ये ऐसी घटनाओं आगे न हो, शासन प्रशासन इस पर लगातार मॉनिटरिंग करे, न कि केवल दुर्घटना घटे और उस दो चार दिन औपचारिकता खाना पूर्ति करें। ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई तो चल रही है, ये निश्चित तौर पे हमेशा होती रहना चाहिए। ओवरलोडिंग का जो मामला है पुलिस का भी है, पुलिस के थानों के सामने से ये गाड़ियाँ निकलती है, उनको भी लगातार देखना चाहिए। RTO या एक ही विभाग उस पर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, दोनों पुलिस को भी, क्योंकि उनके थाने के सामने से गुजरती है गाड़ियाँ। अभी जो कार्रवाई हुई वो खाना पूर्ति क्या मानते हैं? अभी जो कार्रवाई हुई में और ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए, जो औपचारिकता हुई है लेकिन और लंबी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक वाले रोज मोटरसाइकिलों के जो चालान बनाते हैं ऐसे उनके सामने से गाड़ियाँ गुजरती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। Subscribe now to most exciting channel ever.